Assalamualaikum everyone, I hope you all are doing great at your homes. आज की वीडियो algebraic calculation and concepts की second part है, जिसमें हम algebraic multiplication के बारे में बात करने वाले हैं. When I say algebraic multiplication, तो it is not very much different or difficult to understand. Algebraic multiplication is as similar as a normal arithmetic multiplication. इसमें दो conditions आपके सामने initially आ सकती हैं. The first condition is that you may have two numbers that are to be multiplied of टुगेदर विथ हैविंग सेम वेरिएबल. दैट इज़, अगर आपके पास एक वेरिएबल एक्स है और एक और नंबर है जो बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, उसके साथ भी वेरिएबल एक्स है. और इन द सेकेंड कंडीशन यू मे हैव अ वेरिएबल वाई विद एनी नंबर दैट इज़ बींग मल्टीप्लाइड विद अनदर नंबर हैविंग अनदर वेरिएबल. यानी कि आपके पास या तो वेरिएबल्स सेम होंगे या तो वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे. इफ़ यू हैव सेम वेरिएबल्स, तो सिंपली आप सबसे पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल ऐड द पावर्स ऑफ द नंबर्स. यानी कि इफ़ यू हैव 3 times 4, दैट 3 times 4 विल बी इक्वल्स टू 12 एंड x टाइम्स x विल बी x 1+1, दैट इज 12 x स्क्वायर. नो मैटर वॉट इज़ द पावर, आपको हमेशा पावर को ऐड करना है. लाइक अगर यहाँ पे 2 भी होगा, x स्क्वायर होगा, तो आई विल ऐड दिस 1 एंड दिस 2 और आंसर में मेरी पावर जो भी होगी उनका सम आएगा हमेशा. एंड इन द सेकेंड कंडीशन, अगर आपके पास वेरिएबल्स भी डिफरेंट है और नंबर्स भी डिफरेंट है, नंबर अगर सेम हो तो भी वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू विल सिंपली मल्टीप्लाई देम एंड राइट एज द आंसर दैट 4 times 2 is 8 एंड x टाइम्स y इज एक्स वाई. कभी कभार एक वेरिएबल या एक एक्सप्रेशन ना दी जाए, यू मे फाइंड अ बिगर नंबर और बिगर वैल्यू दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड. सो अगर हम देखें कि आई हैव अ नंबर, लेट्स से 4x square, दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद अ ब्रैकेट, और ब्रैकेट हमारे पास है 4y + 2x. तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली मल्टीप्लाई द वैल्यू विद बोथ द नंबर्स इन द ब्रैकेट. लाइक अगर मैं इस चीज को देखूं तो 4 times 4 is 16 एंड x square times y विल बी x square y, बिकॉज ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं. एंड इन द सेम इन द नेक्स्ट पार्ट 2 times 4 is 8 एंड x square into x, तो ये हो जाएगा x 2+1 दैट इज x 16x square y + 8x³. ओके, सो एज लॉन्ग एज यू गो डाउन, तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन या टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो सकती है. अब हो सकता है कि अब की बार हमें दो ब्रैकेट्स या मतलब दो से ज़्यादा वैल्यूज हो जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने को कह दिया जाए. फॉर एग्जांपल आई से 2x + y दिस टू बी मल्टीप्लाइड विद 9x + 4y. अब हम यहाँ पर बारी बारी दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट आई विल मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, देन आई विल मल्टीप्लाई द सेम विद दिस, देन आई मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स एंड देन आई मल्टीप्लाई दिस विद दिस. सो यहाँ पे हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और कहीं मल्टीप्लीकेशन में गलती कर दें, तो इसका एक आसान तरीका होता है टू ड्रॉ अ ग्रिड. इफ यू हैव 4 numbers यू मल्टीप्लाई, यू मेक 4 boxes. आप एक वैल्यू को टॉप पे लिखें दैट इज 9x और 4y, और दूसरी वैल्यू को साइड में लिखें दैट इज 2y + 9. अब दोनों जो क्रॉस होते जा रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं. जैसे 2 times 9 is 18 एंड x times x x square, 4 times 2 is 8 x and y, 9 times 1 9x and y, और 9 times 4 y, तो जगह 4y square. तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा, वैल्यू जो चार आएंगी उनको मैं साथ लिख लूँगा, 18x² + 8xy + 9xy + 4y square. और अगर यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही होगी तो आई विल डू, वरना मेरा आंसर है. तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ एडिशन परफॉर्म हो रही है, तो आई विल ऐड दीज 9 and 8, तो ये हो जाएगा 17xy + 4y square.